नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों फिर हाजिर हैं दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आज खुशखबरी देने वाला हूं आप सभी लोगों को। तो आज दोस्तों बात करेंगे समस्त मंडियों की, भारत की समस्त मंडियों की, और एक और स्कैम की बात करूँगा दोस्तों मैं, जो इस समय चल रहा है। ठीक है, जो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, उसकी जड़ कहाँ से है। जड़ है जो कोल्ड स्टोर वाले, जो व्यापारी हैं, जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, जहाँ सस्ता आलू खरीद रहे हैं वो लोग, दलाली वाला बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है, वो मंडियों में जाकर कैसे जाकर इफेक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा मैं। तो वीडियो के साथ पूरा अंत तक वीडियो देखना दोस्तों, और मैं बताऊँगा आप सभी लोगों को क्या करते हैं ये लोग, और जल्दी जल्दी आप सभी लोगों को भाव अपडेट करूँगा मंडियों के, कौन कौन सी मंडियों में आज उछाल है और कहाँ मंडी डाउन हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और दोस्तों आलू से संबंधित जानकारी अगर आगे भी आप सभी लोगों को डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं। तो कल मेरे को कई किसान मिले, वो कह रहे कि शर्मा जी हम पर नोटिफिकेशन ही नहीं आता। तो जब आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपके पास डेली नोटिफिकेशन आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मंडियों के भाव की, फिर बात करूँगा, या पहले बता देता हूँ दोस्तों कि कैसे क्या शोषण हो रहा है। तो आज एक सुबह नॉर्मल मेरी मिलने वाले हैं किरावली के, उनसे मेरी बात हुई, और वो राजस्थान का काम करते हैं, ज़्यादातर मंडियों में आलू बेचते हैं राजस्थान की मंडियों में। तो एक मंडी राजस्थान की में, एक सपोज करो मैं एक मंडी ले लेता हूँ इंडिया की कोई भी, उसमें अगर ऐसा होता है कि हर जो व्यापारी होता है कोल्ड स्टोर में, उसका आढ़ती अपना सेट होता है मामला कि मैं इसी के आलू बेचूँगा। तो जो कुछ जो यहाँ पे जो फ्रॉड पने के काम कर रहे हैं, जो वैसे व्यापारी हैं जो आलू मद्दा सद्दा किसानों पे से खरीदने की जुगाड़ में रहते हैं हमेशा, और कुछ कोल्ड वाले ये काम कराते हैं, तो वो सस्ता आलू खरीद रहे हैं। और मंडी में जहाँ आलू मंडी की पोजीशन बढ़िया चल रही है, आलू अच्छी रेट आड़ती खींच के आलू बेचना चाह रहे हैं, ठीक है ना, व्यापारियों को, तो वो लोग मद्दा आलू कोल्ड से खरीद रहे हैं, तो मद्दा आलू वहाँ पे मंडी में जाकर दे रहे हैं। तो जो बढ़िया जो व्यापारी हैं, जो किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, जो आलू अच्छा रेट खरीद कर किसानों को फ़ायदा दिलाना चाहते हैं, या कुछ अच्छे कोल्ड स्टोर वाले हैं, तो वो लोग क्या, उनकी गाड़ियां जाकर वहाँ पे पिट रही हैं मंडियों में, क्योंकि भाई पैकारी उससे लेगा जहाँ आलू मद्दा मिल रहा है, वो काय को लेगा जो आलू महंगा खींच के बेचना चाह रहा है आड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों इस समय, तो ये काम करने लगे हैं जो ये व्यापारी हैं। तो मैं निवेदन किसान भाइयों से ये करूँगा कि अपने कोल्ड स्टोर, जिस कोल्ड स्टोरों में, जिन कोल्ड स्टोरों में, जैसे बगल में कोल्ड स्टोर, जैसे दो कोल्ड स्टोरों की अगर हम बात करें, तो एक कोल्ड स्टोर में आलू बिक रहा है 800 रुपये, 850 रुपये, 900 रुपये बढ़िया आलू, और एक कोल्ड स्टोर में बिक रहा है 750 रुपये। तो कम से कम उन किसानों से मैं निवेदन करूँगा कि अपने कोल्ड पे, जिस पे, जिस भी कोल्ड में आप रख रहे हैं, उनसे बात करें, भाई इतना सस्ता आलू क्यों बिकवा रहे हो हमारा, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो ये सब चीज़ें किसानों को समझने वाली हैं, और जो ये जो व्यापारी हैं, जो आड़ती जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो मंडियों को, मंडियों में मतलब अपनी मोनोपोली बनाने के लिए उल्टी सीधी रेट में आलू को बेच देते हैं ये लोग, और फिर वो क्या करते हैं, आड़ती है, अपने सस्ता आलू मिल रहा है उन्हें, तो अपना 10-20 रुपये, 50 रुपये कट्टे का मार्जिन दे दिया और अपना सस्ता आलू बेच रहे हैं। तो जो बढ़िया किसान, जो बढ़िया स्टोरों में से जो अच्छी रेट आलू खरीद के जो व्यापारी भेज रहे हैं, उन लोगों की मिट्टी ख़राब कर देते हैं ये लोग। तो चलिए दोस्तों अब आगे भाव की बात करेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गुवाहाटी की बात अगर हम दोस्तों करें आज, तो सबसे पहले गुवाहाटी से शुरुआत करूँगा, गुवाहाटी से शुरुआत नहीं कर रहा, सबसे पहले शुरुआत होगी आज अलवर मंडी राजस्थान से। तो राजस्थान की अगर हम बात करें अलवर की, तो वहाँ पे आलू बिक रहा है 15 से लेकर 16 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी के 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक। बात करेंगे दोस्तों जोधपुर की, तो दोस्त जोधपुर में आज तेजी है, जोधपुर में बढ़िया आलू आज बिके हैं 17 से लेकर 17.5 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं 15.5 से लेकर 16 रुपये किलो तक। बात करेंगे दोस्तों जयपुर की, तो जयपुर में आज 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक बढ़िया आलू बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक। और हॉलैंड बिके हैं दोस्तों 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों सूरत की, गुजरात की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू वहाँ पर बिका है यूपी का, जो 17 से लेकर 18 रुपये किलो तक, डैमेज हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक, क्योंकि तरपाल लग के गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ दागी माल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। पुखराज गुजरात का 13.5 से 16 रुपये किलो, ख्याति 15 से 18 रुपये किलो तक, और बादशाह बिक रहा है 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक, और पुखराज बिक रहे हैं, पुखराज की मैंने आपको बता दिया। गुजरात के जो कोल्ड स्टोरों में दोस्तों नॉर्मल भाव चल रहे हैं, वो ये कुछ इस प्रकार हैं, पुखराज बिक रहा है 17, 18, 19 रुपये किलो, तो 19 रुपये किलो से मान लीजिए आप 19×50, तो लगभग 950 रुपये कट्टा, और बादशाह बिक रहा है आपका 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक, तो 22×50 लगभग 1050 से लेकर 1100 रुपये तक कट्टा बिक रहा है गुजरात के कोल्ड स्टोरों में, समझ रहे हो मेरी बात को।
तो अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की। तो दिल्ली आज़ादपुर में आज लगभग कोई 84-85 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर 37-97 बढ़िया आलू 800 से लेकर 850 रुपये तक, हल्की क्वालिटी के 37-97 780 से लेकर 800 रुपये तक, 50 किलो की दोस्तों ये भाव हैं। चिप्सोना चंदौसी का 950 से 1000 रुपये तक, चिप्सोना अलीगढ़ आगरा का 850 से लेकर 900 रुपये तक, सूर्या चंदौसी का 1200 से 1250 रुपये तक, और सूर्या आगरा अलीगढ़ का 950 से 1000 रुपये तक, 302 750 से लेकर 800 रुपये तक 50 किलो के भाव, गुल्ला चिप्सोना 850 से लेकर 910 रुपये तक। सूखे हुए आलू के दोस्तों ये दाम है, आलू सूख के जा रहा है इस समय। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो G4 आलू 20 से लेकर 21 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, और श्रीनाथ भी सेम भाव है 19 से लेकर 21 रुपये किलो तक बिक रहे हैं इलाहाबाद की मंडी में। दोस्तों रोज डेली पूछते थे लोग मुझे, तो मैंने लेना शुरू कर दिया भाव। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। देखो डिपेंड, व्यापारी भी डिपेंड होता है आड़ती के ऊपर। जैसे हम साउथ में मंडी में आलू भेज रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आड़ती कैसा है। आड़ती अगर बढ़िया ईमानदार बढ़िया लोग हैं तो वो सोचते हैं कि जो भी हमारा व्यापारी है उसको आलू उसका अच्छी रेट में बिके, आप समझ रहे हैं मंडी में। अब जब वो तो चाह रहे हैं बढ़िया रेट में हम बेचें, बगल वाला कोई क्या कहते हैं सस्ता आलू कहीं से खरीद कर पोल में से लेके आ रहा है, वो आलू सस्ते रेट में वहाँ दे रहा है, जितना ही पैकारी होगा वह डाइवर्ट हो जाएगा, वो कहने लगे भाई वहाँ सस्ता मिल रहा है तू महंगा क्यों बेच रहा है आलू को, आलू तेरा हो मेरा सेम है बिल्कुल। तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मार्केट में। तो क्या जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रही। पहले तो आड़ती इस काम को करते थे, वो लोग एक अपना कमीशन अलग से, कमीशन के अलावा अपनी मार्जिन अलग रखते थे आलू में, तो वैसे व्यापारियों का शोषण होता था, किसान सस्ता खरीद रहे हैं उधर व्यापारी भी मारे जा रहे हैं। अब जब किसान भी अपडेट है व्यापारी भी अपडेट है, तो व्यापारी तो कह रहे थे भैया किसान ही अपडेट है, अब तो किसान को मालूम है मंडी क्या रेट बिक रही है, तो बताओ इतनी पोल कहाँ रही है। जितने भी आड़ती हैं आलू वाले बहुत बड़े बड़े, मैं एकाध की बात नहीं करूँगा दोस्तों, जो ईमानदार हैं उनकी बात नहीं करूँगा, जो 2-4% जो बेईमान किस्म के लोग हैं उनकी बड़े बड़े काम है कारोबार, समझ रहे हो आप मेरी बात को। किसान महंगी में ही रहा और ये लोग करोड़पति हो गए। पूना की बात करें दोस्तों तो पूना में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 20 से लेके 21 रुपये किलो तक बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का आलू 18 से लेके 19 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों। और चेन्नई की बात करें दोस्तों तो चेन्नई में एक्स्ट्रा सुपर आलू बढ़िया 22 से लेके 23 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 19 से लेके 20 रुपये किलो तक। सोमवार की सबको डर रहता है किसानों को कि सोमवार को मंडी में क्या हुआ, पर मैं बता दूं दोस्तों आज कहीं भी कोई डाउन नहीं है आलू। हालांकि दोस्तों निकासी पे इफेक्ट पड़ गया, निकासी हल्की चल रही है कोल्ड स्टोरों में से, इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, बार बार मैं कर रहा हूं कि कम से कम कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दाना आलू का नहीं बेचा, कम से कम दोस्तों आलू निकालते चलो, मेरी बाल के निकाल लो, धीरे धीरे करके बेचते चलो। बाई चांस कोई उतार चढ़ाव अगर होता है तो फिर आप लोगों को इतना ज़्यादा किसानों को टेंशन हो जाएगी, लोग अच्छे अच्छे डिप्रेशन में जाते हुए मैंने देखे जो अच्छे अच्छे आलू के धुरंधर थे। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि धीरे धीरे करके हर भाव में आलू बेचो। बाकी दोस्तों जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, आपकी व्यवस्था है, आप लोगों ने पैसा लगाया है, आप लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से बेचें, हमारा काम सिर्फ सुझाव देने का है। बात करेंगे दोस्तों गुवाहाटी की मंडी की, तो गुवाहाटी आज 22 से लेकर 22.5 रुपये किलो तक बिकाए बढ़िया आलू, हल्की क्वालिटी के आलू 21 से लेकर 22 रुपये, और ज़्यादा हल्के दोस्तों 19 से लेकर 20 रुपये किलो तक। बंगाल का जो आलू आ रहा है गुवाहाटी की मंडी में वो 19 से लेकर 21 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 17 से लेकर 18 रुपये किलो तक। और फरुखाबाद के जो आलू पहुँच रहे गुवाहाटी की मंडी में वो बिक रहे हैं 19 से लेकर 20 20.5 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के 18 से लेकर 19 रुपये किलो तक। बात करेंगे दोस्तों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी की उत्सुकता तो सबको रहती है। कानपुर मंडी में जो एक्स्ट्रा सुपर 37-97 आलू है वो बिके हैं 13 से लेकर 16 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के बिके हैं दोस्तों 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक। गुल्ले एक्स्ट्रा सुपर 13 से लेकर 14 रुपये किलो, गुल्ला बढ़िया 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक, और हॉलैंड एक्स्ट्रा सुपर 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों, और हॉलैंड नॉर्मल 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक, सिंदूरी 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, और किर्री 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और नागपुर का दोस्तों बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर 18 से लेकर 19 रुपये किलो तक बिक रहा है नागपुर मंडी में, और हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों। अब बात करेंगे बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज आलू बिके हैं 22 से लेकर 23 रुपये किलो तक बढ़िया आलू एक्स्ट्रा सुपर, और हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं दोस्तों 19 से लेकर 20 रुपये किलो तक। बात करते हैं दोस्तों छपरा बिहार की, तो बिहार के मैं बताने लगाऊँ भाव इस वजह से क्योंकि बिहार में क्या है कि जो क्या कहते हैं गुल्ला एक्स्ट्रा सुपर गुल्ले का डिमांड है, अब गुल्ला बेचना चाहते हैं लोग, तो एक्स्ट्रा सुपर गुल्ले की बात करें तो 14 से लेकर 14.5 रुपये किलो तक बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 13 रुपये किलो, मोटा 37-97 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक, हॉलैंड एक्स्ट्रा सुपर 17 से लेकर 18 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का हॉलैंड 15 से लेकर 16 रुपये किलो, कंचन बिक रहे हैं दोस्तों 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक, और सिंदूरी बिक रहे हैं 15 से लेकर 16 रुपये किलो, किर्री बिक रही है 9 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक कानपुर की दोस्तों मंडी में। बात करेंगे दोस्तों मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो मुंबई की भी बड़ी उत्सुकता है हर आदमी को, और ज़्यादातर किसानों की मंडी है
पहले तो मुंबई दोस्तों खूब आलू जाता था, लोग ट्रकों में बैठ बैठ के अपने आलू बेचने चले जाते थे और बड़े खुश रहते थे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर सिस्टम धीरे धीरे बदलता गया, कोई अब जो है कि अपने आराम से व्यापारियों को आलू बेच देते हैं, सुविधाएं हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों आप कभी भी ये सोचा करो कि जो मैं कटाक्ष करता हूँ किसी के ऊपर, तो आप ये ना समझें कि जितने भी मेरे व्यापारी भाई हैं कि वो सब सबके लिए नहीं है लागू वो चीज़, ठीक है ना। वो लागू है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग शोषण करते हैं किसानों का, जो कोल्ड स्टोर वालों का शोषण करते हैं, या जो कोल्ड स्टोर वाले हैं दोस्तों उनकी मैं बात करता हूँ, तो ये ना समझे कि सारे स्टोर वाले, ऐसा नहीं है दोस्तों। 1-2% जो ख़राब लोग हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्योंकि पांचों उंगलियाँ एक सी नहीं होती हैं, हर जगह ऊंचा नीचा, हर जगह इस व्यवस्था रहती है। बात करेंगे शुगर फ्री की, तो आलू की मुंबई में तो वो बिक रहा है 23 से लेकर 24 रुपये किलो तक, एक्स्ट्रा सुपर 37-97 22 से लेकर 23.5 रुपये किलो तक आज बिके हैं। हल्की क्वालिटी के 37-97 20 से लेकर 21 रुपये किलो तक, और हल्का 19 से लेकर 19.5 रुपये किलो। यूपी का जो हाइब्रिड आलू है वो बिक रहा है दोस्तों 17 से 18 रुपये किलो। एमपी का जो लॉकर है बढ़िया 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक। एमपी का जो लॉकर है मीडियम वो बिक रहा है दोस्तों 18 से 20 रुपये किलो। एमपी का ज्योति एक्स्ट्रा सुपर बिक रहे हैं दोस्तों 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक। और एमपी का जो चिप्सोना है वेपर पास वो बिक रहा है 18 से लेकर 20 रुपये किलो तक। एमपी का वो गुजरात का जो पुखराज है दोस्तों बिक रहा है 15 से लेकर 17 रुपये किलो तक, और गुजरात का लोकर बिक रहा है दोस्तों 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक। आज की कंडीशन ये है कि जैसे करावली में उसने एक पर्ची एक वीडियो वायरल हुआ था, मेरे पास ही सबसे पहले वीडियो आया था कि एक कोल्ड स्टोर में आलू ही 1010 रुपये की, तो वो व्यापारी ने मुझे बताया कि भाई मेरे को तो इतना परेशान कर लिया गया, मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ भेजेगा, इसको क्या करेगा, रेट ख़राब कर रहे हो, किसान सस्ता आलू नहीं देगा, फलाना नहीं होगा, ढिकाना नहीं होगा। भाई एक चीज़ बताओ, किसी आदमी को कोई चीज़ खरीदने का मन है तो उसकी कौन गारंटी ले सकता है कि इस चीज़ को तू कहाँ भेजेगा क्या करेगा। भाई उसका मन है, उसने कुछ व्यवस्था ही देख के खरीदा होगा, घाटा तो कोई खाएगा नहीं, आलू बढ़िया होगा उसने खरीद लिया होगा, एवरेज तो सब बनाते हैं, उसने सोची होगी कि लाओ इसमें बराबर में छूट जाऊंगा दूसरे और एक और लॉट लाभ देगा, उसमें 10-20 रुपये मिल जाएंगे। तो आज नई जनरेशन जो कूद रही है इस काम में उसको भी दबाव में लिया जाता है। तो दोस्तों यही है कहानी दुनिया की, आप लोग जागरूक रहें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नमस्कार मेरे, वो धन्यवाद बहुत बहुत, आप सभी लोगों का दिन शुभ।